हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक कंपनी लॉ से रिलेटेड है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस है, उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में द फर्स्ट इज चार्टर कंपनी, सेकेंड इज स्टेचुरी कंपनीज एंड द थर्ड इज रजिस्टर्ड कंपनी। देखिए, चार्टर कंपनीज क्या होती थी कि जब आपने पता होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1600 ईस्वी में एक चार्टर एग्जिस्टेंस में आया था, एक चार्टर पास किया गया था जिसके थ्रू ही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो टाइम टू टाइम ऐसे ही चार्टर एक्ट पास किए जाते थे कंपनी को गवर्न करने के लिए। तो अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये जो चार्टर कंपनी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया में। सेकेंड आपका स्टेटूटरी कंपनीज। स्टेटूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिन्हें किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू कहना चाहूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके लिए एक अलग से एक्ट पास करके उसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें स्पेशल एक्ट ला करके क्या किया गया है, इनकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपकी रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो भी किसी भी कंपनी एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में लाई जाती है, जिनकी कंपनी लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड करवा के उसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इसमें भी थ्री टाइप्स की कंपनी होती है। पहली आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने अनपेड शेयर के अमाउंट तक ही जो है कंपनी को पे करने के लिए लायबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ, मान लीजिए आपका 20 रुपीज पर शेयर है, जिसमें से कंपनी ने 15 रुपीज की, ठीक है, कॉल्ड अप कर ली है, यानी कि 15 रुपीज पर शेयर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपका 20 रुपीज पर शेयर है, उसमें से कंपनी ने 15 रुपीज पर शेयर के हिसाब से जो शेयर होल्डर है उसे रिसीव कर ली है। अब बचे आपके 5 रुपीज। अब यहाँ पे जो 5 रुपीज है ये कंपनी कब कॉल अप करेगी, जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो, यानी कि जब कंपनी को लायबिलिटीज पे करनी होगी। तो यहाँ पे जो 5 रुपीज है, इस 5 रुपीज तक ही की अमाउंट तक ही जो आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो पे करने के लिए लायबल होते हैं। तो इसमें क्या कहा था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि जो कंपनी के मेंबर हैं, वो सिर्फ अपने अनपेड शेयर के अमाउंट तक ही पे करने के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब मान लीजिए कोई जब कंपनी के मेंबरशिप ले रहा था कोई पर्सन को, तो उसमें उसने ये कहा था कि जब भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आएगी तो मैं उसमें से 2 लाख, ठीक है, 2 लाख जो आपका अमाउंट मैं पे करने के लिए क्या होगा, मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि मैं 2 लाख तक पे करूंगा कंपनी के ऊपर कोई भी अगर लायबिलिटी अगर आ जाती है। तो यहाँ पर वो किस अमाउंट तक, वो यहाँ पर जितने की उसने गारंटी दी है कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए, वो उस तक अमाउंट पे 2 लाख तक ही अमाउंट पे करने के लिए लायबल होगा, क्योंकि उसने गारंटी दी थी। तो यहाँ पे हो जाए कंपनी लिमिटेड गारंटीज। नेक्स्ट आपकी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनीज में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं और कंपनी अगर लॉस में चली जाती है या वाइंडिंग अप में जा रही है कंपनी, और उस कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी ज्यादा है और कंपनी की एसेट्स जो है वो कम है, तो उसमें जो आपकी लायबिलिटी है वो जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इसमें जो पर्सन है यानी कि जो मेंबर्स हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी इसके लिए लायबल होगी, यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैच की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें कितने टाइप की कंपनी होती है, द फर्स्ट इज वन मैन कंपनी, यानी कि वन पर्सन कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में OPC कहते हैं, ठीक है, ओपीसी वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी, थर्ड पब्लिक कंपनी। तो अब अगर हम इनकी बात करें, वन मैन कंपनी यानी कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है, तो ये ऐसी कंपनी होती हैं जिसमें ओनली वन पर्सन भी, यानी कि एक सोल शेयर होल्डर भी क्या कर सकता है, कंपनी खोल सकता है, एक अकेला पर्सन भी कंपनी खोल सकता है, बट बशर्ते क्या होता है, उसे एक नॉमिनी अपना अपॉइंट करना होता है,
क्योंकि अगर जैसे कि आपको पता ही है कि जो कंपनी होती है उसका परपिचुअल सेक्रेशंस होता है, यानी कि उसे शाश्वत उत्तराधिकार होता है, उसकी कभी डेथ नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए ये 1 पर्सन है, अगर इसकी किसी वजह से डेथ अगर हो जाती है तो फिर कंपनी कौन ऑपरेट करेगा? इसलिए इसलिए नॉमिनी जो है वो अपॉइंट करना आपका कंपलसरी होता है 1 पर्सन कंपनी में। नेक्स्ट आपकी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी आपकी क्या होती है? वो कंपनी होती है जिसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी कि उन्हें रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। और अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में अगर हम कहें तो मिनिमम आपके जो है 2, और आपके मैक्सिमम, ठीक है, आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आपके कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिन्हें ये राइट होता है कि वो अपने शेयर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हैं। और अगर नंबर ऑफ मेंबर स्कीम की बात करें तो मिनिमम इनके कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? तो मिनिमम होते हैं इनके 7, और आपके मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इनमें कोई लिमिट नहीं होती है, यानी कि नो लिमिट। ओके, नेक्स्ट है आपका मिसलिनियस। मिसलिनियस में आपकी अदर कंपनीज अगर हम देखें तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी आर दोज इन विच मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और जॉइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर देन स्टेट गवर्नमेंट। ये इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या होने होते हैं, जो 50% शेयर होते हैं, 50% प्लस की हम यहाँ बात करें कि 50% प्लस जो शेयर है वो गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए हैं। अब चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किए हो, या फिर दो से ज्यादा आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मिल करके क्या किए हुए 50% शेयर क्या किए हुए होल्ड किए हुए हो, तो वो आपकी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। तो वो कंपनी जिस कंपनी के 50% प्लस आपने शेयर गवर्नमेंट ने शेयर परचेज किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, तो वो कंपनी भी क्या हो जाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अब मान लीजिए एक कंपनी ये है आपकी, ठीक है, ये है आपकी ए कंपनी, ये है आपकी बी कंपनी। ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन रहती है बहुत ज्यादा। अब ये जो ए कंपनी है ये बी कंपनी के 50% यहाँ पे या तो पार्टली या फिर फुल्ली, या तो ये इसमें इसमें जो कंपनी है बी कंपनी के, या तो ये आधे शेयर परचेज कर लेती है, यानी कि 50% शेयर इसने परचेज मतलब होल्ड कर लिए हैं, या फिर 50 से ज्यादा, या फिर हो सकता है कि इसने 100% शेयर मतलब होल्ड कर लिए हों, या फिर आपका 75 कर लिए हों, ठीक है, 50% से ज्यादा। तो यहाँ पर जो ए कंपनी है वो बन जाएगी बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी। क्यों? क्योंकि ए कंपनी ने बी कंपनी के मोस्ट ऑफ शेयर जो है होल्ड किए हुए हैं। और यहाँ पे ये कंपनी क्या हो जाएगी? ये कंपनी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। किस कंपनी की सब्सिडरी? ए कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो कि होल्ड कर रही है 50% से ज्यादा शेयर बी कंपनी के, वो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी ए। और जो जिस कंपनी के शेयर परचेज कर रही है यानी कि होल्ड कर रही है, तो वो कंपनी हो जाएगी आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आपकी एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक कंपनी ये है और एक कंपनी आपकी ये है, ठीक। अब ये जो कंपनी है ए कंपनी, इसने क्या किया है? इसने 20%, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? 20% प्लस, ठीक है, 20% प्लस जो शेयर्स है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किस पर? अमाउंट टू ओनरशिप एट द एटलीस्ट
मिनिमम 20% ऑफ शेयर्स, यानी कि जो 20% शेयर्स हैं ए कंपनी ने बी कंपनी के होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पर जिस कंपनी के होल्ड किए हुए हैं 20+ जो शेयर हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे जिसके होल्ड किए हुए हैं उसे हम एसोसिएट कंपनी कहेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कंपनी लॉ से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ कंपनी आज हमने डिस्कस करी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।